सो फ्रेंड्स यहाँ पे मुझे माफ़ करना कि अगर मेरी आवाज़ जो है इन्फॉर्मेशन वीडियो में क्लियरली नहीं आ रही होगी, तो मैंने जो है कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मेन जर्नी वीडियो पे दे जो है दे रखे उन्हें भी पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे सबटाइटल में दिखाया जा रहा है, कुछ सबटाइटल में दिखाया जा रहा है तो कुछ यहाँ पर जो है मेरे वर्ड्स में ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा। ठीक है, ऐसे अभी जो जेवर पर अवेलेबल किया, फिर उसके बाद जो है नॉन स्टॉप रन जो स्टॉप्स के बीच में रहा था, बट ट्रेन हर स्टॉप्स पर रुक के रुकाते हैं ये, और ये लोकल ट्रेन जो है बढ़िया होगी लोनावला पुल लोकल, ये सारी जितनी भी चलती है ना सभी बेस्ट ट्रेन है लोनावला से पुणे की कनेक्टिविटी के लिए। बट जो लोनावला से मुंबई के लिए कोई लोकल नहीं है, लोनावला से मुंबई अगर आपको जाना हो ना तो वहाँ से कोई सुपर फास्ट या तो कोई दुरंधर प्रीमियम या तो कोई एक्सप्रेस ट्रेन पकड़नी होती है। पुणे के पास जो है शिवाजीनगर भी आप उतर सकते हो, या तो फिर पुणे के आप चाहो तो पुणे भी उतर सकते हो, पुणे के पास के शिवाजीनगर भी उतर सकते हो इफ़ यू वांट, क्योंकि शिवाजीनगर जो है पुणे से 4 या 3 किलोमीटर की दूरी पर है, मैंने खुद देखा है ऐसे ही। और ट्रेन अपने रफ्तार पर पकड़ती जा रही है, चलती जा रही है, ऐसे ही ट्रेन नॉन स्टॉप चलती रहती है जो ये लोकल ट्रेन। बाकी जब कानपुर की या दिल्ली की जो DMO जैसी ट्रेन होगी ना वो स्लो चलती होगी, बट ये ट्रेन जो है एकदम स्पीड में भागती है ये ट्रेन। मैंने आपको इसमें अपनी कंप्लीट जर्नी दिखाई है, वड़गांव से पुणे और पुणे से वड़गांव की, वाइल एक्सप्लोरिंग पुणे टूरिस्ट प्लेसेस, जो कि 10 पार्ट में आएगी, टोटल 10 पार्ट में आएगी ये वीडियोस। और लोकल ट्रेन में जो है मोटर कार भी होते हैं प्लस आगे और पीछे टाइम में ड्राइवर भी होते हैं, जो और दोनों ही जो ट्रेन को एक्सीलेट करने में बहुत मदद करते हैं, साथ में एक्सीलेट करते हैं। जब ड्राइवर ट्रेन को चलाता है आगे बढ़ाता है तब मोटर कार जो है साथ में एक्सीलेट करते हैं, इसलिए ट्रेन की जो है हाई स्पीड बहुत जल्दी मिल जाती है। और यहाँ पर जो है मैं यहाँ पर अपने घर में मेरा घर इंगड़ी है, मैं अपने घर में रहता हूँ वड़गांव में, जो कि जो है महाराष्ट्र वाड़ी में है। इंगड़ी गली से ये और मेरे स्कूल से ये बस 10 मिनट की दूरी पर है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर 10 किलोमीटर 10 मिनट की दूरी पर है, एक नहीं आधा किलोमीटर आधा, या फिर कल्पना कितना किलोमीटर होगा, थोड़ा सा किलोमीटर होगा ये क्रॉसिंग नांदेड पनवेल नांदेड एक्सप्रेस एट पता नहीं कौन सा स्टेशन था ये, बट देख नहीं पाया मैं, जो कि EMD हॉल्ट EMD WDP हॉल्ट WDP 4D हॉल्ट नांदेड पनवेल नांदेड एक्सप्रेस थी, जिसको मैंने अभी जाते हुए देखा। ऐसे ये अपनी लास्ट क्रॉसिंग थी इस जर्नी की, और इसके बाद जो जर्नी आएगी वो हो सके तब तक के एग्ज़ाम से रिलेटेड आएगी, जिसमें मुझे CET के एग्ज़ाम के लिए देखते हुए जर्नी कैसे आती है, होपफुली नेक्स्ट मंथ आएगी या तो फिर सीधा नेक्स्ट ईयर आएगी, मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, बट ये सेकेंड लास्ट पार्ट है Part 9 जिसका री अपलोड है इस जर्नी का। हाँ, और इसमें मैं आपको दोनों पार्ट में मैं अपना घर और स्कूल दिखाने के लिए करूँगा। मेरा घर का एड्रेस है महाराष्ट्रवाड़ी लोटस भक्ति सागर वड़गांव, महाराष्ट्रवाड़ी लोटस भक्ति सागर वड़गांव मावर जिला पुणे, कैपिटल पुणे, फ्लैट नंबर है 104, और स्कूल मेरा इंग्लिश वाली पे चमन निवास पे है, जो एरिया मैं आपको दिखाएगा। स्कूल का नाम है रमेश कुमार सानी इंग्लिश मीडियम स्कूल, अगर आपको मेरे से मिलना है तो ये आप ये स्कूल भी आ सकते हो सके तो मेरे घर भी आ सकते हो, मैंने अपना एक घर जो है एक नाइट मोटो ब्लॉग भी दिखाया हुआ है, जो कि वो ब्लॉग जो है ऑलरेडी चैनल पर लाइव है, जैसे ये ब्लॉग भी लाइव होगा बहुत जल्द टिल सेप्टेम्बर दिस ब्लॉग्स शुड बी लाइव। मैंने ऐसा क्लियरली बोलने की कोशिश की है, अगर आपको आवाज़ नहीं आ रहा होगा तो सब टाइटल पढ़ लीजिएगा, और अगर आ रहा होगा तो फिर मेरी आवाज़ नहीं आएगा। आफ्टर गोइंग वड़गांव रीचिंग वड़गांव पुणे नहीं है वड़गांव पहुँच के हम सीधा जो है अपने घर पर चले गए, कुछ कंटेंट के दिखाया नहीं घर का कुछ भी नहीं कंटेंट दिखाया, अपना कुछ खाना वाना किए समोसा खाए लस्सी पिए हम लोग, फिर उसके बाद घर चले गए।
मैं बताता हूँ, श्रीदेवी आ रही मेरी कमी से नहीं है, बस अपने लिए नाम के लिए बहन है अपनी। और आ रही है मेरी भांजी, रियल भांजी नहीं है मेरी बट है। और ये है अपना घर, ये सारी सृष्टि का बिल्डिंग है यहाँ पे, जो कि मारस्करवाड़ी में ही आता है। मारस्कर बस्ती हिंदी में बोलते हैं, मराठी में या वाड़ी भी बोल सकते हैं, बट यहीं पे आता है। ओके मीट यू एट नेक्स्ट। ओके वीडियो से एंड होने वाली है, सो इसके बाद जो है सीधा लास्ट पार्ट का अपलोड आएगा, जो कि 2 भी कंटिन्यूड होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है फाइनली डोर पे आके रिकॉर्डिंग की है, पायल पैसे से पूछ के उन्होंने हाँ बोला और मैंने रिकॉर्डिंग की रे लाइक रेल फैन।